कई बार हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मिलता क्यों नहीं। दरअसल हम सोचे कछु और है, प्रभु सोचे कछु और, हम कुछ और चाहते हैं, परमात्मा कुछ और देना चाहता है। छोटे बच्चे से कहें ये तुम टॉफी का डब्बा है, अपने हाथ में टॉफी जितनी बने उठा लो। बच्चे का छोटा हाथ होता है, कितनी टॉफी उठाएगा, चार पांच। और कोई दानी हो हमारे तुम्हारे जैसा, हम अपनी मुट्ठी से उठा के दें अपने हाथ से, तो कितनी, 20-25 आ जाएंगे। और हमसे किसी का बड़ा हाथ हो, ग्रेटर नोएडा वालों का, यहां वालों के तो सब बड़े, और हाथ बड़ा हो उसके में 40-50 आ जाएंगे। तो जिसका जितना बड़ा हाथ होगा वो उतना ही बड़ा तो दान देगा। तो हम अगर परमात्मा से मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, और अगर परमात्मा पर छोड़ देंगे तो परमात्मा अपनी क्षमता से देगा। भगवान अपनी क्षमता से देगा, जितनी उनकी क्षमता होगी। और हमसे कोई पूछे महाराज भगवान की क्षमता कितनी, तो सुदामा ने मांगा नहीं लेकिन दो लोकों का राजा बना दिया। श्री राम जय राम। तो भगवान आहा, नारद जी मुंह मत लटकाओ, क्योंकि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का परम धन क्या है, भक्तों का और संतों का, राधा नाम। क्यों, चोर ना चोरी कर सके, भाई ना बांटे दाम, चोर ना चोरी कर सके भाई ना बांटे दाम, ओ पावन परम पुनीत है राधा जू को नाम। तो संतों का धन क्या है, संपत्ति। देखो संसार की संपत्ति देती है विपत्ति, लेकिन संतों की संपत्ति हर लेता है हर विपत्ति।